चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, जो प्रस्तर युग भाग दो यानी कि पाषाण युग प्लस धातु युग से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो दे रखा है जिसमें कि आप पाषाण युग के बारे में, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग एवं नव पाषाण युग से संबंधित जानकारी लिया, उसी का यह दूसरा भाग है। आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल न्यूलिथिक एज के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जो समय अवधि हुआ करता था, वह समय अवधि था 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का जो समय था, पाषाण काल को जो तीन भागों में बांटा गया, उसमें मध्य पाषाण काल का जो समय था वह 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, लगभग 5000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय माना गया है, और 4.5 लाख ईसा पूर्व या 4.5 लाख वर्ष तक पूरा पाषाण काल का समय माना गया था। सबसे लंबा जो समय था पाषाण काल में, वह पूरा पाषाण काल का ही था, जिसमें कि आदि मानव से लेकर के और सभ्यता के विकास तक जो कड़ी चली, उसमें 4.5 लाख साल तक पूरा पाषाण काल का समय ही रहा, और मध्य पाषाण काल केवल 5000 साल ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें जो मुख्य औजार था वह था पत्थर के बहुत छोटे औजार। मध्य पाषाण काल आते आते लोग पत्थर के बहुत छोटे औजार बनाने प्रारंभ कर दिए थे, और प्रमुख स्थल जो हुआ मध्य पाषाण काल का, वह था मध्य प्रदेश के आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका जो कि भोपाल में है, ये सब मध्य प्रदेश में उत्खनित होने वाला जगह है जहाँ पर मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ भी मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। लगनाज, लगनाज जो कि गुजरात में है, वहाँ भी इससे संबंधित अवशेष मिले हैं। मदागढ़, मेजा सराय, नाहर राय उत्तर प्रदेश से, और पैसरा बिहार से संबंधित है कि पैसरा जगह जो मध्य पाषाणकालीन संबंधित है, वह बिहार में भी उत्खनित हुआ था। पैसरा नामक जगह पर मध्य पाषाणकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। अब आइए बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। जी हाँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम लोग न्योलिथिक एज के रूप में भी जानते हैं, और इसका जो समय अवधि है, टाइम टेबल है, इसमें कुछ विरोधाभास विभिन्न इतिहासकारों में रहा है। जैसे कि वैश्विक स्तर पर, वैश्विक संदर्भ में 9000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय अवधि माना गया है। वहीं भारत के संदर्भ में इसे 7000 ईसा पूर्व से लेकर 25000 ईसा पूर्व तक ही माना गया। इस समय का जो प्रमुख औजार हुआ करता था, अब लोग और ज्ञानवान हो गए थे और उनके औजार में और कार्यशैली आ गई थी, कि अब वो क्या कर रहे थे, पॉलिशदार पत्थर के औजार बनाते थे। जो पत्थर ज़्यादा चमकीला होते थे उसके औजार बनाते थे। साथ ही साथ नवपाषाण काल में हड्डियों के औजार भी बनने लगे थे। हड्डियों से भी हथियार तैयार की जाने लगी थी, और पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग लोग नवपाषाण काल आते आते करने लगे थे। पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग नवपाषाण काल आते आते लोग करने लगे थे। नवपाषाण काल से संबंधित जो प्रमुख स्थल था वह था मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, बुर्जहोम, गुफ्फ कराल जो कि कश्मीर में है, कोलडीहवा, महागढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, चिरांद, सेनवार जो कि बिहार में है, अपायम पाली जो कि तमिलनाडु में है। ये सब नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्जहोम, गुफ्फ कराल कश्मीर, कोलडीहवा, महागढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में, चिरांद महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है बिहार से संबंधित, चिरांद और सेनवार जो कि बिहार से संबंधित है, पायम पाली यह तमिलनाडु में खोजी गई जगह है जो कि नवपाषाण कालीन है। इस युग का जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वह बात यह थी कि
लोग खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। नवपाषाण काल में आके लोग खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ की खेती हुआ, भेड़ और बकरी का पालन करने का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ से गेहूं और जौ की खेती एवं भेड़ बकरी पालन का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।